मुंगेली जिले की डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने एक शानदार और अनोखी पहल की है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने कोरोना संकट काल में अपना अहम योगदान देते हुए सेवानिवृत्त तक हर महीने के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। सीएम सचिवालय को पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश के हर कमजोर तबके के लोगों के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए उन्होंने सीएम सचिवालय को पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अनुरोध किया है कि उनके वेतन से कटौती कर राशि सीधे सीएम फंड में जमा की जाए। उन्होंने आगे बताया कि वह 3 सालों से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में उनकी उम्र 35 वर्ष है। सिविल सेवा में 3 साल होने के बाद 30 सालों की सर्विस अभी शेष रह गई है। अनुराधा ने बताया कि उनका मासिक वेतन 60,000 रुपए है, जिसका एक दिन का अंश अब रिटायरमेंट तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में जाएगा। यहां आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल दोनों पैरों से दिव्यांग है और जांजगीर जिले के शक्ति की रहने वाली है। उन्हें 2017 में केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठने का भी मौका मिल चुका है। अनुराधा ने 12 सवालों के जवाब देकर 12,50,000 रुपए जीती थी, लेकिन अनुराधा की कहानी दूसरे कंटेस्टेंट से कई मायनों में अलग थी। शो में हिस्सा लेने से कुछ वक्त पहले ही उनकी मां का निधन हो गया था, फिर भी परिवार की सलाह के बाद वो अपने पति के साथ शूटिंग के लिए मुंबई पहुंची थी। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।